वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शन आपके डिक्लाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, किस कारण की वजह से आपके ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होते हैं और उनको हम सही कैसे करें, फुल डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम से पहुँचता रहे। अगर आप क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है AU0101, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड डालना है। इसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और इसमें आपको पिन सेट कर लेना है। पिन सेट करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे या तो फिंगरप्रिंट या एम पिन आपको अपना यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेलकम जो भी आपका नाम है वो दिख जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ऊपर थ्री डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जाना है सर्विस रिक्वेस्ट में। सर्विस रिक्वेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाना है आपको क्रेडिट कार्ड्स पर। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको पहला वाला जो ऑप्शन है मैनेज क्रेडिट कार्ड लिमिट, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर आपको जाना है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर। जैसे ही आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को ग्रीन करेंगे, ग्रीन करते ही वहाँ पर आपके नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा ATM यूज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ATM यूज लिमिट ऑफ है। जैसे ही आप इसे ग्रीन करेंगे तो ये जो ATM विड्रॉल लिमिट है वो आपकी ऑन हो जाएगी। और नीचे आप इसकी लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी लिमिट एक महीने के लिए सेट करनी है कि इससे ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड से ATM से कोई पैसा विड्रॉल नहीं कर पाए। तो मैंने यहाँ पर कर दिए 20,000 सेट। इसके बाद आप जाएंगे POS यूज लिमिट, मतलब POS यूज लिमिट ये वह लिमिट होती है जो आप मर्चेंट आउटलेट पे जाकर इस क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी लिमिट होती है। ये ऑफ है, इसको जैसे ही आप ग्रीन करेंगे ये ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही आप नीचे की तरफ इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कितनी लिमिट सेट करना चाहते हैं, वो आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मेरे इस क्रेडिट कार्ड से एक महीने के भीतर ट्रांजैक्शन ना हो। उसके बाद आप जाओगे ई कॉमर्स या ऑनलाइन यूजेज लिमिट, मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसके लिए आप अपनी क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। अभी ये ऑफ है, इसे ऑन जैसे ही करेंगे उसके बाद आपने नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 20,000 रुपये इसकी लिमिट सेट करी हुई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो मैं एक महीने में हाईएस्ट 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकता। अब आ जाता हूँ नीचे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, अभी ये ऑफ है, इसको आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसकी भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये सब सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेसफुली, अगर आपके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहे थे वो सारे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। कार्ड भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप ये लिमिट भी सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपने डिक्लाइन ट्रांजैक्शनों को आप सही कर सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।